हेलो फ्रेंड्स, लवकेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शॉक अब्जर का बुश वियर हो गया तो उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, उसका तरीका क्या क्या है वो सब बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हो एक शॉक अब्जर में प्ले बहुत है, तो ये शॉक अब्जर कैसे रिमूव करना है ये सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पर आपको 18-19 और 21-23 का रिंग लेना है। एक साइड का साइड से 18 का रिंग लगेगा, एक साइड से 21 का रिंग लगेगा। इस बोल्ट को पहले खोलना है। यहाँ पर देख सकते हो ये बोल्ट खुल गया। दो वाशर रहते हैं और एक बोल्ट और नट रहता है। अरे जो नीचे साइड वाला हिस्सा है ये बोल्ट को भी खोलना है। ये थोड़ा टाइट रहता है, उसके लिए पाइप लगाना है। थोड़ा पाइप से ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर देख सकते हो इसको भी निकालना है। ये बोल्ट निकालने के बाद शॉक अब्जर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका बुश पूरा वियर हो गया, पूरा कट गया, पूरा हिल रहा है। इसका जो माउंटिंग रहता है वो पूरा हिल रहा है। यहाँ पर बुश नहीं आता है, इसलिए हम लोग ये पूरा शॉक अब्जर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर फिर डालना है शॉक अब्जर, डालना है फिर नट बोल्ट डालना है इसमें और टाइट करना है। ऊपर का भी बोल्ट टाइट कर देंगे, नहीं तो शॉक अब्जर नीचे आएगा बार बार, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। फिर इसको भी नट डाल देंगे, बोल्ट डाल दिया है तो इसको टाइट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।